दोस्तों आपको सही में लगता है कि जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो रियल है या फिर क्लोन है या फिर एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी के द्वारा बनाए हुआ फेक फ़ोन है? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हो और कैसे आप उसको पता लगा सकते हो कि वो रियल है या नहीं है, या फिर कोई आपको क्लोन तो नहीं दे रहा रियल बॉक्स के अंदर, चाहे वो MI का फ़ोन हो, Xiaomi का फ़ोन हो, Vivo का हो, Oppo का हो या Apple का फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम पराग, आप देख रहे हैं टैग बाय पराग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आईफोन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईफोन तो आपको मालूम है कि इसके क्लोन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, मतलब ऐसा पता ही नहीं कर सकते एक झलक में कि आपके पास रियल आईफोन है या फेक आईफोन है, आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे। तो दोस्तों इसमें अगर आपने आज तक कभी भी आईफोन यूज़ नहीं किया तो आप एक नज़र में देख के तो नहीं बता सकते हो। जैसे सपोज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ही आप बता सकते हो कि ये रियल है या फेक है। तो दोस्तों आईफोन को चेक करना बहुत सिंपल होता है। आपको वहाँ पर सीरियल नंबर दे दिया रहता है सेटिंग पे आईफोन्स के, और सीरियल नंबर को आपको कॉपी करके गूगल पे सर्च करना पड़ता है आईफोन चेकर। वहाँ पे अगर आप अपने सीरियल नंबर को पेस्ट कर दोगे तो आपको वहाँ की डिटेल्स मिल जाएगी कि आपने कब फ़ोन लिया था, किस टाइम पे लिया था और कहाँ से लिया था, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में कि आप कैसे पता करोगे, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी उसके क्लोन बनते हैं कि हाँ आपको नहीं पता होगा पर ऐसा होता है। जैसे पता होगा सैमसंग S21 है, अब मान लो वो बहुत महंगा है, एग्जाम्पल के तौर अगर वो 40,000-50,000 उससे ऊपर का 60,000 का फ़ोन है वो, या XYZ सैमसंग का कोई भी फ़ोन है, तो लोग क्या करते हैं जो डुप्लीकेट कंपनियां बनाती है, फ़ोन सेम रहेगा बस उसको फ़ोन के अंदर की चीज़ें सेम कर चेंज करके, कैमरा डुप्लीकेट लगा के, प्रोसेसर डुप्लीकेट लगा के और यहाँ तक कि बैटरी भी डुप्लीकेट करके उसको 10,000-12,000 में लोगों को बेच देते हैं ऐसा सेकेंड हैंड बोल के, और आपको लगता है कि हम रियल फ़ोन ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा न्यू फ़ोन ले रहे हैं, पर वो क्लोन रहता है। ऐसे ही फ़ोन ऐसे ही आपको Xiaomi में भी देखने मिलेगा, Oppo में भी यही चीज़ होती है, Vivo में भी यही चीज़ होती है। जैसे अगर Vivo का एग्जाम्पल लिया जाए, अगर Vivo का देखें कि V21 है, अब वो मान लो 30,000 का फ़ोन है और किसी ने आपको बोला कि मैंने सिर्फ 2 महीने यूज़ किया है और मैं आपको ये 12,000 रुपये का फ़ोन दे रहा हूँ, तो दोस्तों वहाँ पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। लोग क्या करते हैं वही वीवो का फ़ोन, सेम बॉडी, आपको डिस्प्ले भी सेम दिखेगा, पर क्या होगा उसके अंदर प्रोसेसर चेंज कर देंगे, बैटरी चेंज कर देंगे, एवरीथिंग उसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें चेंज करके, कैमरा चेंज करके, डुप्लीकेट लगा के, फ्लैश डुप्लीकेट लगा के आपको फ़ोन 12,000 का दे देंगे सेम बॉक्स के अंदर, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने एक यूज फ़ोन लिया है पर वो क्लोन फ़ोन रहेगा। दोस्तों ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और आईफोन की बात रही तो इंस्टाग्राम में भी ऐसे बहुत सारे लोग उसके बारे में प्रोडक्ट्स का करते रहते हैं, प्रमोशन करते रहते हैं कि ये फ़ोन है हमारे पास, हमारे ये सेकेंड हैंड फ़ोन है, आपको 12,000 का मिलेगा, 15,000 का मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब में भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, पर आपको बचना चाहिए। दोस्तों अगर आप इसको चेक कर कैसे कर सकते हो, दोस्तों जैसे आईफोन का मैंने बताया, ऐसे ही आपको सारे एंड्रॉइड फ़ोन में बहुत सारे कोड याद करने पड़ेंगे। जैसे वो जाकर सैमसंग का कोड होता है *#0*#, फिर आप उसको चेक कर सकते हो कि रियल है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है, आपके फ़ोन में अगर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन है तो वहाँ पर जब आप अपने फ़ोन को वहाँ पर एक्सचेंज वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पर अगर आप वहाँ पर सीरियल नंबर डालोगे तो आपको वहीं पर ही पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन रियल है या नहीं है या फिर क्लोन तो नहीं है। तो अगर आपको बहुत सारे कोड नहीं याद करना तो ये छोटी सी ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।